Hello everyone, and I welcome you all to the Prep Board. So this is the fourth video of Innovation and Entrepreneurship series, and again we bring to you 20 important MCQs of Innovation and Entrepreneurship. So my dear students, there is only hardly any time remaining for CMAT examination, and we have around only 5 or 6 days remaining for the paper. So let's discuss 20 another important MCQs, and I would again once again request you कि अगर आपने हमारे बाकी के जो 3 पार्ट है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज के वो नहीं देखे हैं सो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उनको भी देख सकते हैं. सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज की फीचर्स ऑफ अ वेल रिटन बिजनेस प्लान वुड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट व्हाट. सो वी हैव ऑप्शंस ऑफ फाइनेंशियल प्लान, क्वालिफिकेशन ऑफ द ओनर, एन एनालिसिस ऑफ द मार्केट और अ रिव्यू ऑफ द एडवर्टाइजिंग फर्म एनालाइज. सो देखिए, जो हमारे पास में एक वेल रिटन बिजनेस प्लान होगा तो उसमें इनमें से क्या चीज होगी और क्या चीज इसमें से ऐसा कौन सा जो फीचर है वो उसमें नहीं होगा. सो देखिए, फाइनेंशियल प्लान तो डेफिनेटली हमारे एक बिजनेस प्लान का पार्ट होगा, तो ये ऑप्शन कट हो जाता है. एनालिसिस ऑफ द मार्केट भी हमारे बिजनेस प्लान में डेफिनेटली होना चाहिए. और जो डी है, रिव्यू ऑफ एडवर्टाइजिंग फर्म एनालाइज, तो जो एक कोई एडवर्टाइजिंग फर्म है उसका एनालिसिस भी हमारे पास में होगा. हाँ, क्वालिफिकेशन ऑफ द ओनर जो है, अगर वो नहीं भी हुआ तो भी हमें कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, बिकॉज जो बिजनेस प्लान है उसके बाकी के पार्ट्स अच्छे होने चाहिए. क्वालिफिकेशन ऑफ द ओनर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज क्वालिफिकेशन ऑफ ओनर. सो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव अहेड. द मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज होती है, मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनी होती है उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किस चीज में होता है. तो ऑप्शन है हमारे पास फर्नीचर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरीज और नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज प्लांट एंड मशीनरीज, यानी कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है. सो उसमें प्लांट एंड मशीनरीज के ऊपर डेफिनेटली बात है कि हमारे पास में इन्वेस्टमेंट होगा. यू कैन टेक एनी कंपनी लाइक अमूल, पार्ले जी, सैमसंग. सो इन कंपनी में जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, सो प्लांट एंड मशीनरीज का सेटअप इसके अंदर होता है. यू कैन नो, सो यू कैन, देयर आर मेनी कंपनीज वी कैन से फॉर दैट. वी कैन टेक एग्जांपल अमूल, वी कैन टेक एग्जांपल्स ऑफ सैमसंग. सो दीज इन दीज कंपनीज वी हैव प्लांट एंड मशीनरीज इंस्टॉल्ड. सो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में प्लांट एंड मशीनरीज के ऊपर वर्क होता है. सो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर. द टर्म एंटरप्रेन्योर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एंटरप्रेन्योरिक, व्हिच मींस, यानी कि जो टर्म एंटरप्रेन्योर है ये जो एक पर्टिकुलर वर्ड एंटरप्रेन्योर से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, आइदर टू गिव, टू अंडरटेक, टू चूज और टू डिसाइड. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज टू अंडरटेक, यानी कि जो वर्ड एंटरप्रेन्योर है उसका मतलब होता है टू अंडरटेक. सो यू कैन नोट दिस करेक्ट आंसर. लेट्स मूव अहेड, डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. सीड कैपिटल स्कीम इज बीइंग ऑपरेटेड बाय होम, यानी कि जो सीड कैपिटल स्कीम थी ये कौन सी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ऑपरेट किया था. सो वी हैव ऑप्शंस ऑफ IDBI, SIDC, ICICI और IFCI. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज IDBI, यानी कि जो सीड कैपिटल स्कीम थी ये IDBI ने ऑपरेट की थी. सो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर फॉर दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैन बी डिफाइंड एज एन अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट आइडिया दैट एन एंटरप्रेन्योर एक्सेप्ट एज अ बेसिस फॉर हिज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि कौन सा ऐसा अट्रैक्टिव आइडिया है जो एंटरप्रेन्योर एक्सेप्ट करता है एज फॉर हिज इन्वेस्टमेंट पर्पस. सो लेट्स सी द ऑप्शंस, पॉसिबिलिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी और नोशन. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी होती है इट इज एक्चुअली एन अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट आइडिया, यानी कि अगर कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपनी नई कंपनी के अंदर तो आप अपॉर्चुनिटी का वेट करते हो, और अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप पर्टिकुलर अपने कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो. So you can note the correct answer, that is opportunity. Which statement gives a projection of future sources of cash and their application? यानी कि अगर कोई कंपनी है तो उसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो प्रोजेक्शन देता है फ्यूचर सोर्सेज ऑफ कैश, यानी कि कंपनी में जो हमारे कैश आएंगे वो कौन से सोर्सेज से आ सकते हैं. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शंस है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो हमें ये बताता है कि हमारे पास कहाँ से हमारे पास कैश फ्यूचर में आने की पॉसिबिलिटीज हैं. सो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर फॉर दैट. लेट्स मूव अहेड. विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि इसमें से कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट नहीं है.
So we have options of small business enterprises, scalable entrepreneurship, large scale entrepreneurship, or intrapreneurship. So देखिए small business entrepreneurship भी part of entrepreneur है, scalable entrepreneurship भी part है, large scale entrepreneurship भी हमारे पास में एक तरह का entrepreneurship ही है. So the correct option for this is intrapreneurship because this is not a new business, okay? So ये जो होता है not a new business है हमारे पास में. और ये क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर ही यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर आइडिया को जनरेट करते हैं, सो ये विद इन अ कंपनी का काम होता है, इंटरप्रेन्योरशिप विद इन अ कंपनी. सो दिस इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फॉर्म, सो यू कैन नोट दिस, इंटरप्रेन्योरशिप इज द करेक्ट आंसर. लेट्स गो अहेड, विच ऑफ दीज इज नॉट अ चैलेंज फॉर द एंटरप्रेन्योर, यानी कि एंटरप्रेन्योर के लिए इनमें से क्या चीज चैलेंज नहीं होती है. मैनेजिंग द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस, रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉइज, choosing the product or service to sell in the market, or formulating rules and regulation related to conducting entrepreneurship in the country. So the let's see, managing the cash flow, so definitely it's a very very challenging part. Recruiting new employees is also a challenging part. Choosing product or service jo hai wo bhi bahut important part hai, lekin jo rules and regulations hain wo ek entrepreneur se related work nahi hota hai, because this is more of a एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, यानी ये जो है मोर ऑफ द एडमिन वर्क होता है हमारे पास में. सो लेट्स लर्न द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट दिस इज नॉट अ चैलेंज फॉर एंटरप्रेन्योर, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मेशन. सो यू कैन नोट दिस. टू विच टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हीरो मोटोकॉर्प एंड हायुंडई कॉर्पोरेशन बिलोंग टू, यानी कि जो हीरो मोटोकॉर्प है और हायुंडई है, ये कौन से टाइप के एंटरप्रेन्योर को बिलोंग करते हैं? So either they are trading entrepreneur, first generation entrepreneur, business entrepreneur, or industrial entrepreneur. So the correct option for this is industrial entrepreneur. यानी कि जो Hero MotoCorp और Hyundai Corporation है, ये industrial entrepreneurship है. So you can note they are not trading, ये trading related business नहीं होता है. First generation entrepreneur यानी कि जो business को just start करते हैं, business का जो just start करते हैं. So Hero MotoCorp और Hyundai इसमें भी नहीं आते हैं, business entrepreneur भी नहीं है ये. So they are industry, they are big industry, so they are the part of industrial entrepreneurs. Now again a good question, World Entrepreneur Day is celebrated on which day? यानी कि World Entrepreneur Day है, कौन से day को celebrate करते हैं? So July 21, August 21, September 21 और October 21. So the correct option for this is August 21. So you can note the correct answer. The T in pestle analysis refer to what? यानी कि जो pestle analysis होता है उसमें T की full form क्या होती है? So let's see the option: technology, time, training or talent. So the correct option for this is technology. So आइए pestle की full form एक बार हम देख लेते हैं. So it is political. Then we come for E. E comes for economic. After that we have S, that is social. After that we have T, that is technology. Guys, very very important definition to learn for entrepreneurship. Then L for legal, and then E for environment. Okay, so आपको ये सब चीजें याद करनी है, because इसमें से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं exam में. ये आगे बढ़ते हैं और question number 12 discuss करते हैं. Which one of the following describes unemployment? यानी कि unemployment इसमें से क्या चीज better define करता है? Options है number of people who voluntarily choose not to work, a number of people who are jobless and actively seeking work, number of people who are not actively seeking work, or number of people actively seeking work who find work. So देखिए, अगर हमारे पास में if we talk about unemployment, तो those person who choose not to work इसके अंदर नहीं आएगा, और who are actively not seeking work ये भी इसके अंदर नहीं आएगा. Plus अगर कोई particular person work को find कर लेता है तो वो unemployment की category में नहीं आएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी, यानी कि जो पर्सन जॉबलेस हैं वो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे. सो यू कैन नोट दिस आंसर. सो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक अवर वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स हु आर गिविंग सीमेट एग्जामिनेशन, सो दैट दे कैन बेनिफिट. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, सो दैट इन फ्यूचर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज यू कैन गेट एक्सेस. सो यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो टू अवर चैनल. लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Seed capital assistance is what type of assistance? So we have options of a long term assistance, initial assistance, a help for the purchase of seeds, or a short term assistance. So iska jo correct answer hai wo hai initial assistance, yani ki jo seed capital hai. Dekhi seed matlab hi hota hai ki hum koi particular cheez ko agar hum start karte hain to initially phase mein jo hume assistant lagta hai wo hota hai. To ye long term assistant bhi nahi hai,
परचेज ऑफ सीड्स तो ये एग्रीकल्चर रिलेटेड है और शॉर्ट टर्म असिस्टेंट भी नहीं है. करेक्ट आंसर इज इनिशियल असिस्टेंट. सो यू कैन नोट दिस. द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट, यानी कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आइदर इट इज पार्टनरशिप, सोल प्रोप्रेटरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव अंडरटेकिंग. सो देखिए, जो हमारे पास सबसे पुराना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है वो है सोल प्रोप्रेटरशिप, बिकॉज पार्टनरशिप जो है वो इतना पुराना नहीं है. इसमें दो लोगों के साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी हमारे पास में बाद में आता है और कोऑपरेटिव अंडरटेकिंग भी हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप में आता है. तो सोल प्रोप्रेटरशिप यानी कि जो इंडिविजुअल अपने आप कोई पर्टिकुलर अगर फर्म को स्टार्ट करता है, तो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से सोल प्रोप्रेटरशिप ही है. सो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक डिजाइन टू प्रोड्यूस न्यूमरस आइडियाज इन अ शॉर्ट पीरियड, यानी कि शॉर्ट पीरियड में अगर हमारे पास में हमें आइडियाज को एग्रीगेट करना है, तो वो कौन सा हमारे पास में टेक्निक है? आइदर इट इज साइनेक्टिक्स, डेल्फी टेक्निक, ब्रेनस्टॉर्मिंग और नॉमिनल ग्रुप टेक्निक. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो हमारे पास में न्यूमरस आइडियाज को हम कलेक्ट करते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो यू कैन नोट दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. यू कैन नोट द करेक्ट आंसर. Decisions which are concerned with policy matters and exercise fundamental influence on the objective of organization are called as, यानी कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं वो सारे डिसीजन कैसे होते हैं? Whether they are organizational decision, personal decision, routine decision or strategic decision. So the correct option for this is strategic decision, यानी कि जो हमारे पास objectives of organization को इन्फ्लुएंस करते हैं वो हमारे पास में स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं. डेफिनेटली वो रूटीन डिसीजन नहीं होते हैं और वो किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड भी नहीं होते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन. लेट्स मूव अहेड. व्हाई ओवर कैपिटलाइजेशन अराइजेस? तो देखिए, ओवर कैपिटलाइजेशन की वजह से काफी सारे जो न्यू बिजनेसेस हैं वो लॉस में चले जाते हैं. सो ओवर कैपिटलाइजेशन हमारे पास में क्यों होता है? सो आइदर इट इज एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, एक्सेस ऑफ लाइबिलिटीज ओवर एक्सेस, actual earning are lower than the expected earning or actual earning are higher than the expected earning. So देखिए, जो correct option है वो है option number C, यानी कि जो हमने अपनी earnings को predict किया था वो actually में हमारे पास low है as compared to what we have predicted. यानी कि अगर हमने suppose किया कि हम एक साल में 10 lakh का business करेंगे और हम business अगर 5 lakh का ही कर रहे हैं, तो हमारे पास में वो over capitalization की condition आ जाएगी. Very very important question to note. So you can note that C is the correct answer. SIDBI was set up as a subsidy of what? यानी कि जो SIDBI है, जो सेटअप हुआ था, तो किसकी सब्सिडी है? IDBI, IFSCI, ICICI और SFC. So the correct option for this is IDBI. यानी कि जो SIDBI है वो IDBI की सब्सिडी है. So you can note the correct answer. I once again repeat कि अगर आप में से किसी ने हमारे बाकी के तीन पार्ट इनोवेटिव और एंटरप्रेन्योरशिप के नहीं देखे हैं, तो प्लीज गाइज, दिस इज द राइट टाइम टू वॉच. ओनली 5 डेज आर रिमेनिंग फॉर योर एग्जामिनेशन. काइंडली गो एंड वॉच दोज पार्ट्स राइट नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटीज विच कैन बी अकम्प्लिश साइमल्टेनियसली आर टर्म्ड एज व्हाट? तो आइदर प्रीसीडिंग एक्टिविटी, सक्सीडिंग एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी और कंकरेंट एक्टिविटी. सो देखिए, प्रीसीडिंग एक्टिविटी जो पहले हो जाती है ये पास्ट टेंस की बात हो जाएगी. सक्सीडिंग एक्टिविटी जो हमारे पास में बाद में होगी यानी कि जो फ्यूचर टेंस की बात हो जाएगी. डमी एक्टिविटी जो हमारे पास में सेकेंड एक्टिविटी होती है. करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज कॉनकरेंट एक्टिविटी, यानी कि जो कॉनकरेंट एक्टिविटी हमारे पास में होती है ये हमारे पास में साइमल्टेनियसली हम एक साथ अकम्प्लिश कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. सो यू कैन नोट दिस पर्टिकुलर आंसर, दैट इज कॉन्करेंट एक्टिविटी. द स्मॉल स्केल यूनिट विशिंग टू एक्सपोर्ट हैज टू ऑब्टेन एक्सपोर्टर सपोर्ट नंबर फ्रॉम, यानी कि अगर कोई स्मॉल स्केल की हमारे पास में कंपनी है और उसे एक्सपोर्ट अगर करना है, तो उसे एक्सपोर्टर सपोर्ट कौन सी पर्टिकुलर फर्म से लेना पड़ेगा? सो वेदर इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एनी रीजनल बैंक और एनी इंटरनेशनल बैंक. सो द करेक्ट आंसर इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यानी कि इंडिया में कोई अगर फर्म है जिसको अगर एक्सपोर्ट करना है, तो वो एक्सपोर्टर कोड कहाँ से लेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेगी. सो यू कैन नोट द करेक्ट आंसर. दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन. सो आई वंस अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. एंड इफ यू वॉन्ट टू गेट एनी अदर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी ऑनलाइन कोचिंग, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन बिलो नंबर 9997476467 and 8589655997. We are ready to help you. If you have any other kind of query related to CMAT examination, you can call us. And if you want, we have also prepared free question bank of 150 questions. So if you want to get access to that free question bank, I once again write here,
दैट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग फ्री क्वेश्चन बैंक ऑफ 150 क्वेश्चन. तो अगर आपको ये सीमेट का 150 क्वेश्चन का फ्री क्वेश्चन बैंक लेना है इनोवेशन सीरीज का, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं. वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू दैट. सो वी विश ऑल द बेस्ट टू ऑल अवर स्टूडेंट्स फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन. थैंक यू वेरी मच.